हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। थॉट ऑफ द क्लास, योर पैशन इज़ वेटिंग फॉर योर करेज टू कैच अप। इट मींस आपके अंदर जो पैशन है ना, वो आपके करेज की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप कब साहस करेंगे ताकि आप ऊपर उठ सकें। आपका साहस ही आपके पैशन को आगे ले जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा साहस करके अपने पैशन की ओर बढ़िए। अपना जो लक्ष्य आपने बनाया है, आपके अंदर जिसको पाने का जुनून है, उसकी ओर बढ़िए। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज की हमारी क्लास का मोटो है, जिस काम में काम करने की हद पार ना, फिर वो काम किसी काम का नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे दिन रात एक करनी पड़े, है ना, आपको निरंतर प्रयास करना है और आपको निश्चित ही सफलता को प्राप्त करना ही है। आज नहीं तो कल आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। आज हम लेकर आए हैं कॉमन सेंटेंसेस आपके लिए, है ना। जैसे हमारी सीरीज चल रही है कुछ कॉमन सेंटेंसेस की, उसी को आगे बढ़ाते हुए ये नेक्स्ट वीडियो है, तो जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है, पता नहीं मैं कैसे इसे फेस करने वाला हूँ। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू फेस इट। अब देखिए, यहाँ पर कुछ नया नहीं है, है ना। हम जो पढ़ चुके हैं वही के वही क्या होंगे, यहाँ पर सेंटेंस बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अबाउट टू पढ़ाया था, है ना, उसमें क्या बताया था, बाला, ठीक है, बाला वाले सेंटेंस पढ़ाए थे, वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला सेंटेंस बन गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ज़्यादा नौटंकी मत करो, डू नॉट गिमिक टू मच, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से इनको नोट करते जाइएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, वॉट एवर हैपेंड वॉज गुड। फिर नेक्स्ट है, यह तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सो यू सेल रीप। देखिए ये क्या है, एक कहावत है ना, कई बार बोली भी जाती है, हम लोग बहुत बोलते हैं इसको डेली लाइफ में, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है डेली यूज सेंटेंस। कहाँ से मिला यह है तुम्हें, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम। कोई भी व्यक्ति जब मार्केट से कोई भी वस्तु लेकर आता है तो हम उससे क्या पूछते हैं, यही पूछते हैं ना, कहाँ से मिला, है ना, या फिर ये पूछते हैं कि ये कहाँ मिलेगा, है ना। तो ये दोनों सेंटेंसेस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ओ वाकई, हाँ सचमुच, इस टाइप से बोलते हैं ना, ओ रियली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सच है, क्वाइट ट्रू। हर तरफ इतना भारी शोर शराबा क्यों है। क्या होता है जब बहुत ज़्यादा गैदर होती है ना, तो किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, तब ये सेंटेंस बोला जाता है। वाई देयर इज़ सो ह्यूज नॉइस अबाउट ऑल ओवर। फिर नेक्स्ट है, कतई नहीं, यह तो बिल्कुल उचित है, नॉट एट ऑल, इट्स क्वाइट अप्रोप्रिएट। वो स्पेशल होते हैं जैसे कि ये वाला, देयर आर स्पेशल्स लाइक दिस वन। कितने अफसोस की बात है, हाउ सैड, दुख की बात होती जब ये हम बोलते हैं। वही तो थे जिन्होंने बुनियाद रखी, है ना, दे वर दीज वंस हु लेड द फाउंडेशन। उसे बहुत बहुत अधिक, मच मच मोर देन दैट मेरे फाइनल एग्जाम बस आने ही वाले हैं, माई फाइनल एग्जामिनेशन आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। फिर क्या प्रॉब्लम है, देन वॉट द प्रॉब्लम नाउ, नर्वस मत हो, डोंट बी नर्वस। देखिए ये मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा पर्सनली सेंटेंस के माध्यम से, डोंट बी नर्वस, बिकॉज यू आर ट्राइंग फ्रॉम अप्रॉक्स 3 or 4 months अबाउट अकॉर्डिंग टू मी, सो डोंट गेट नर्वस, यू विल डेफिनेटली सक्सेस इफ़ यू ट्राइंग। आप नर्वस मत होइए, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, 2 या 3 महीने से लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित आप सफल हो जाएंगे और आप अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। इसलिए डोंट बी नर्वस, वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। आत्मविश्वास और जोश लाओ, हैव कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म। ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, है ना, आत्मविश्वास लाइए और जोश लाइए अपने अंदर सीखने का। करीब करीब 1 महीना, अबाउट अ मंथ, अबाउट अ ईयर, ऐसे भी बोल सकते थे। ऐसा इसलिए लगता है, दैट्स लुक सो, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, दैट्स लुक प्रीटी गुड, या गुड भी बोल सकते थे सिंपल। मुझे उससे शिकायत है, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम।
इस मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। एक दिन का समय दो, गिव मी अ डेट इस टाइम। इस मामले में मुझे मत सुनो, या कहते ना मुझे इस मामले में मत इन्वॉल्व करो, है ना, ऐसे बोलते ना, डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर। बात साफ है, द मैटर इज़ क्लियर। यह सिक्का चलेगा, विल दिस कॉइन पास। आज शर्म से मेरा सिर झुक गया, टुडे इज़ माई हैट हंग इन सेम। इसे हंसी ठट्टा मत समझो, यानी कि हंसी मजाक मत समझो। डोंट टेक इट अ चाइल्ड्स प्ले। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे हाथ में है, योर फैट इज़ इन योर हैंड। ये मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आप कितने साहसी होंगे या आप कोई भी काम कितने साहस के साथ करते हैं, ये किसी और पर नहीं, स्वयं आप पर ही डिपेंड करता है ना, कि आप कितने साहस के साथ काम कर पा रहे हैं, ये आपके हाथ में ही है। और पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था, देयर वॉज एन अकॉर्ड्री फॉर वाटर। अब देखिए, ये आप अभी भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि क्या है, समर सीज़न चल रहा है तो पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इस सीज़न में। मेरा दिल बाग बाग हो गया, आई वॉज ओवरजॉयड। यह अजीब बात है, इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। यह दुख की बात है, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। यह बात का पक्का है, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड। बात पक्की हो गई, द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड। उसे लंबी चौड़ी बातें पसंद नहीं, ही डजंट लाइक टेल टॉक। यह करना ही होगा, इट हैज़ टू बी डन। मैंने वैसे ही किया जैसा मुझे कहा गया था, आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। आप जो कहते हैं ठीक है, वॉट यू से इज़ राइट। तुम पेटू हो, है ना, किसी का पेट बाहर निकला रहता तो उससे हम पेटू बोलने लगते हैं। यू आर अ ग्लूटन। उसे कुछ कम खाना चाहिए, ही शुड ईट अ लिटिल लेस। देखें वह कितने पानी में है, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स। कितने पानी में का मतलब क्या है, कितनी मुसीबत में है, है ना, या कितनी क्या तरक्की कर चुका है, इस टाइप से कहते हैं ना। मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई माइंड इज़ रीलिंग। आपका जवाब नहीं, यू हैव नो मैच। वह बाल बाल बच गया, ही हैड अ नैरो एस्केप। वह घबराया सा लगता है, ही लुक्स रादर नर्वस। मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा, है ना, जब हम कोई काम करते ना तो बोलते ना कि मैं कहीं से भी इसको कर लाऊंगा या ढूंढ लाऊंगा या खोज लाऊंगा, है ना। आई विल मूव हेवन एंड अर्थ। तुम उससे पार नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू डील विद हिम। उसने मेरा सिर नीचे कर दिया, ही इज़ अबाउट मी टू सेम। मुझे अखबार देना जरा, प्लीज़ गेट मी द न्यूज़पेपर। आज मुझे बहुत काम है, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क। आपको अपना वायदा याद है, डू यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। आज छुट्टी का दिन है, टुडे इज़ अ हॉलीडे। जिद्दी मत बनिए, डोंट बी स्टिम्बोर्ड। घर पर सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ वेल एट होम। तुम किस कॉलेज में पढ़ते हो, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी। क्यों नहीं, ज़रूर, वाई नॉट बी ऑल मीन्स। ठीक है, कुछ मिनट बात करते हैं, ओके लेट्स टॉक फॉर अ फ्यू मिनट्स। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, आई एम ओके, थैंक्स। और आपसे भी मैं कमेंट चाहूँगा इस क्वेश्चन का, हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इस कमेंट्स का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देगा, मैं समझ जाऊँगा कि उसने मेरा वीडियो पूरा देखा है और हमेशा से देखता है। चलिए फिर से मैं वही सजेशन दूंगा आपको, यदि आपने मेरी क्लासेस स्टार्टिंग से नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से टेंस वीडियो से स्टार्ट करिए, जिससे आपको क्या होगा, सेंटेंस बनाना आ जाएगा, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, है ना, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। और एक बार आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन आ गया तो आप इजीली क्या कर पाओगे, कोई भी सेंटेंस बना पाओगे, पैराग्राफ राइटिंग भी आने लगेगी आपको, फिर आप धीरे धीरे स्टोरी राइटिंग भी सीख जाएंगे। जब आपका ये राइटिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, है ना। स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए आप अकेले नहीं कर सकते, है ना, मिरर से कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपकी कोई गलती पकड़ने वाला नहीं होता और उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो पाता। तो उसके लिए मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा, या तो आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए स्पोकन का,
है ना, कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए स्पोकन की, या फिर मेरे वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। क्या करना है आपको, शेयर करना है ना। और जो भी आपका फ्रेंड मेरा वीडियो डेली देखता हो, है ना, तो आप उससे क्या करिए, कन्वर्सेशन कीजिए इंग्लिश में, जिससे आपको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा, और आप दोनों आपस में बैठ करके बात कीजिए इंग्लिश में, जिससे आपकी इंग्लिश में सुधार होगा। ठीक है, आप सबका प्यार मुझ पर यूं ही बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।